अपना अपना कैमरा ऑन कर लीजिए सभी। आउट ऑफ आई थिंक 10 एंड मतलब 10 और इधर मेरे ख्याल से 5, 6, 16, 17 बच्चों में मुझे आई थिंक 3-4 लोगों ने बस अपना अपना असाइनमेंट करके भेजा है जो मैंने आपको दिया था। बाकी लोग क्या कर रहे हैं उस पर? किसने किसने नहीं भेजा है? अर्नब का नहीं आया मेरे पास। अर्नब सक्सेना आपका नहीं आया मेरे पास। वेदांत का आ गया मेरे पास। और आर्यनन, आर्यनन तुमने भेजा है मुझे? नहीं भेजा है ना। सिद्धांत का आ गया था मेरे पास। और किसका था? डिंपल आप लोग का तो आया नहीं है वहां से किसी का भी? आज भेज देंगे। आदि तुम्हारा कहाँ है असाइनमेंट? सर भेज दूंगा आज। जब सॉल्यूशन भेज दिया तो अब क्या उसको छाप के भेजेगा? अब भेज के क्या करेगा? अब देखो सॉल्यूशन, उसका एरोप्लेन बना के उड़ाओ वहां से, पहुंचेगा मेरे पे। आई थिंक सरीना हैज आल्सो सेंट इट, राइट? गुड इवनिंग सर। यस गुड इवनिंग साई सागर। गुड इवनिंग सर। साई सागर यू गॉट द सॉल्यूशन व्हिच आई शेयर्ड विद यू? I'm not able to hear you. You are muted, beta. हाँ सर, वो मैंने वो सीख लिया सर। वो हाँ सीख लिया, वो सोल्यूशन भी देख लिया ना तुमने? हाँ जी सर, हाँ जी सर। वो सॉल्व एग्जाम्पल भी है उसमें, NCERT में भी सॉल्व एग्जाम्पल है। उसके अलावा मैंने जो ये IIT वाले वो जो भेजे थे तुम्हारे पास सोल्यूशन, वो मिल गया तुम्हें? हाँ जी सर, वो DPP ना सर, वो भी मिल गया मेरे को। सॉल्यूशंस तुमने देख लिया, तुमको समझ आया? हां सर, कल रात देखा हूं एंड आई लर्नड ऑल ऑफ दोस। मतलब आ गया समझ में? आ गया समझ में सर, बिल्कुल आ गया। आगे बढ़ते हैं सर। थैंक यू सर। आज हम लोग को ये न्यूमेरिकल्स करने हैं, जो कैपेसिटेंस में जितना कॉन्सेप्ट किया है उस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स करने हैं। People who are here in Noida, NCR, Delhi, NCR, please switch on your cameras. I don't want to tell you again and again. जिनको network का problem नहीं है, please switch on करें camera. मुझे भी फिर अच्छा लगेगा। See, the thing is, until unless I interact with you, seeing at you, I also don't understand whether you have understood or not. मेरे लिए भी समझो, मतलब as a teacher, अगर बच्चे दिखते रहते हैं तो पढ़ाने का एक अलग जोश रहता है। अगर बच्चे ही नहीं दिखेंगे तो हम लोग भी नहीं पढ़ा पाएंगे। हम टीचर्स की भी मजबूरी है कि वी वांट टू सी। इट्स नॉट दैट आई वांट टू, मैं ऐसे भी क्या देख पा रहा हूँ, तुम क्या कर रहे हो ये तो देख नहीं पा रहा, बट तुम्हें देखता हूँ तो फिर पढ़ाने का एक ये रहता है कि ठीक है, अच्छा आप सिद्धांत को समझ में आया कि नहीं, तुमने ऐसे नॉड कर लिया, दैट इज इनफ। उससे मुझे फिर एक फील आता रहता है पढ़ाने का। अदरवाइज फिर आई कैन नॉट टीच ऐसे ना, पूरा ब्लैंक, सारा रूम बंद है, पता नहीं लगता है कि पागलों की तरह किससे बात कर रहे हैं। तो यू गाइज, इफ आई एम एबल टू सी यू, इट गिव्स मी मोटिवेशन टू परफॉर्म बेटर एंड टू एक्सप्लेन यू थिंग्स इन अ बेटर वे। दैट इज द होल कॉन्सेप्ट। ओके, और तुम्हारा भी मन लगा रहेगा, आई टू आई कॉन्टैक्ट रहेगा ना, तुमको ज्यादा चीजें समझ में। और अगर वो कांटेक्ट नहीं रहेगा ना, तुम नहीं देखते रहोगे इधर स्क्रीन की तरफ, तो वो समझ में भी नहीं है। तुम्हारे लिए भी फायदा है और मेरे लिए भी फायदा है। चलो आगे चलते हैं। तो आज हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे कैपेसिटेंस पे बेस्ड। ये पहला क्वेश्चन है, राइट? सो आई हेल्प यू विद द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट पहला क्या है, 8 आइडेंटिकल स्फेरिकल ड्रॉप्स ईच कैरिंग अ चार्ज ऑफ 1 नैनो कूलम। तो हमारे पास देयर आर 8 आइडेंटिकल ड्रॉप्स,
हर पे 1 nC चार्ज है, आर एट पोटेंशियल ऑफ 900 वोल्ट ईच, और सभी का पोटेंशियल कितना है 900 वोल्ट है. ऑल दीज ड्रॉप्स कंबाइन टूगेदर टू फॉर्म अ सिंगल लार्ज ड्रॉप. सारे 8 ड्रॉप्स दे कम टूगेदर टू फॉर्म अ वन बिग लार्ज ड्रॉप. कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ दिस लार्ज ड्रॉप. एज्यूम नो वेस्टेज ऑफ एनी काइंड. टेक कैपेसिटेंस ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस आर एज प्रोपोर्शनल टू आर. हम लोग को पता भी है आइसोलेटेड स्फीयर का क्या होता है. कौन बताएगा मुझे कैपेसिटेंस? आइसोलेटेड स्फीयर का कैपेसिटेंस क्या होता है? 4πε0 × r. बहुत बढ़िया वेदांत, तुम पढ़ रहे हो, मेरा दिल एकदम खुश हो गया तुम्हारी बात से. सही में पढ़ रहे हो या कहीं पे देख के बताया? नहीं सर, याद था. बहुत अच्छा, मुझे एकदम अच्छा लगा तुम्हारा. तो यहाँ पे वैसे दे भी रखा है, अगर तुमको याद नहीं भी रहता तो ये क्या कह रहा है कि कैपेसिटेंस सी इज प्रोपोर्शनल टू आर. ये पहली चीज दे रखी है. 8 identical यू नो स्फेरिकल ड्रॉप्स ईच कैरिंग अ चार्ज ऑफ 1 nC. तो यू नो एक चार्ज नैनो 1 nC है, तो आठों का चार्ज अगर हम लोग देखेंगे, लेट्स से सी इज प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर, और जो 8 ड्रॉप्स हैं ये जुड़ के उसका रेडियस, मान लो स्मॉल ड्रॉप का रेडियस आर है, तो ये सारे स्मॉल ड्रॉप्स हैं इनके रेडियस स्मॉल आर है, ये सब जुड़ के बड़ा ड्रॉप बन रहा है जिसका रेडियस कैपिटल आर. सो जो वॉल्यूम होगा 8 का वो कंबाइन कर दोगे अगर 8 × 4/3 πr³, दिस विल बी इक्वल टू 4/3 πr³. तो हम लोग को एक स्मॉल आर और कैपिटल आर में रिलेशन निकल जाएगा दोनों के रेडियस में. 4/3 π कैंसिल हो गया, सो दैट मीन्स कैपिटल आर इज इक्वल टू 8r³. कैपिटल आर इज इक्वल टू 2r. यस, तो ये क्यूब रूट इसका निकाल लिया तो ये हमारा 2r निकल गया. तो कैपिटल आर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द रेडियस स्मॉल आर, राइट. ये अब हमारा एक पहला, दूसरा रिलेशन आ गया. अब हमें कह रहा है कि 8 identical यू नो स्फेरिकल ड्रॉप्स. अब देखो पहले वाले में चार्ज कितना है, पहले वाले में जो q था स्मॉल q अगर हम बात करें दैट इज इक्वल टू 1 nC, और जो बड़े वाले में जो चार्ज होगा वो 8 ड्रॉप पे जो चार्ज है वो सब मिलके 8 × 1 8 nC हो जाएगा चार्ज, राइट. अब हमारे पास जो अगर हम लोग C इज इक्वल टू, अब हम लोग को पोटेंशियल निकालना है, हम लोग को C इज इक्वल टू Q/V होता है, राइट. तो C इज इक्वल टू Q/V है. तो अब जो पहला केस, जो इसको जो C1 कर लो, जब ये सारे अलग अलग ड्रॉप्स के फॉर्म में थे, तो C1 इज इक्वल टू Q/V, और इससे हमारा आ जाएगा Q इज इक्वल टू C1 इंटू, पहले केस में जो पोटेंशियल डिफरेंस इसको V1 कर लो, C1 इंटू V1 कर लो, राइट. और उसके बाद जो कैपिटल Q है दैट इज C2 × V2. अब जो इन दोनों का अगर हम लोग रेशियो, ये थर्ड और फोर्थ कर लो, डिवाइडिंग 3/4, वी हैव स्मॉल क्यू बाय कैपिटल क्यू, C1 V1 डिवाइडेड बाय C2 V2. अब यहाँ पर से वैल्यू डालते हैं, स्मॉल क्यू का वैल्यू 1 nC है, कैपिटल क्यू 8 nC है. C1 इज प्रोपोर्शनल टू सी इज प्रोपोर्शनल टू रेडियस, तो C1/C2 करेंगे तो इससे क्या आ जाएगा, स्मॉल आर बाय कैपिटल आर इंटू V1/V2. V1 कितना दे रखा है, 900 वोल्ट दे रखा है, और स्मॉल आर बाय कैपिटल आर अगर आप करते हो तो ये कितना आएगा, 1/2 आ जाएगा, 1/2 इंटू 900 डिवाइडेड बाय V2. अब ये कैंसिल होके ये 8 आ गया, और V2 का वैल्यू अगर हम लोग को निकालना होगा, सो V2 इज इक्वल टू 900 × 8/2. सो इसको कैंसिल कर लेंगे, सो विच इज इक्वल टू 3600
3600 वोल्ट. विल राइट इट अगेन. 3600 वोल्ट. इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर. यस सर. सर वन सर कैन एक्सप्लेन फ्रॉम स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाय कैपिटल क्यू फॉर्मूला. वहां से समझ सकते हैं. देखो स्मॉल क्यू का वैल्यू क्यू इज इक्वल टू सी वी. हम लोग के पास फॉर्मूला है ना, चार्ज इज इक्वल टू कैपेसिटेंस इनटू पोटेंशियल डिफरेंस. सो अब पहले वाले का अगर इसका जो कैपेसिटेंस सी वन था, इसका कैपेसिटेंस सी टू है. सी वन प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर कह रहा है और सी टू प्रोपोर्शनल टू ये इसका रेडियस के बराबर हो, मतलब प्रोपोर्शनल टू दैट. तो जब रेशियो निकालोगे सी वन बाय सी टू तो वो स्मॉल आर बाय कैपिटल आर हो जाएगा बिकॉज इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस. वी वन का वैल्यू 900 वोल्ट क्वेश्चन में दे रखा है, वी टू निकालना है. स्मॉल क्यू इज द चार्ज ऑन दिस इंडिविजुअल वन ड्रॉप. वन ड्रॉप पे चार्ज 1 नैनोकूलम है और 8 ड्रॉप्स मिलके जो चार्ज बनाते हैं वो 8 नैनोकूलम होगा. तो कैपिटल क्यू का वैल्यू 8 नैनोकूलम डाल दिया, स्मॉल क्यू का वैल्यू 1 नैनोकूलम डाल दिया. उसको सॉल्व करके हमें सभी को आगे समझ. यस यस. ये श्रीराम मिलेनियम वालों के साथ कुछ स्पेशल है क्या भाई? नबील और ये अनद, ये दोनों कैमरा तुम लोग का ऑन नहीं होता है. पीएसएमएस से कुछ मेल वेल आया, तुम लोग कैमरा ऑन नहीं कर रहे. ऑन रखो तुम लोग अपना अपना कैमरा. सेकंड वाला क्या कह रहा है? एन आइसोलेटेड स्फीयर हैज अ कैपेसिटेंस ऑफ 60 पिकोफराड, है ना. कैलकुलेट इट्स रेडियस. हाउ मच चार्ज शुड बी प्लेस ऑन इट टू रेज इट्स पोटेंशियल टू 10^4 वोल्ट. आइसोलेटेड स्फीयर का जो कैपेसिटेंस होता है ये हम लोगों ने पढ़ रखा है 4πε₀r होता है, राइट. तो फर्स्ट केस में जब रेडियस निकालने बोल रहा है तो r इज इक्वल टू सी बाय 4πε₀ हो जाए. कैपेसिटेंस हम लोग को दे रखा है 60 पिकोफराड. पिकोफराड मतलब 10^-12 होता है फराड, डिवाइडेड बाय 4πε₀. तो ऊपर अगर इसको 1/4πε₀ को रिप्लेस कर लेंगे 9×10^9 हो जाएगा. इसको सॉल्व कर लो तो 10^9 + 10^-2 = 54, 0.54, ठीक है, 0.54 मीटर ये हमारा रेडियस आ गया, राइट. इसका जो रेडियस है दिस इज 0.4554 मीटर और 54 सेंटीमीटर. सेकेंड पार्ट आपको कह रहा है हाउ मच चार्ज शुड बी प्लेस्ड ऑन इट टू रेज इट्स पोटेंशियल टू 10^4 वोल्ट. तो अब देखो हम लोग क्यू निकालना है. क्यू इज इक्वल टू सी इंटू वी होता है, राइट. कैपेसिटेंस हम लोगों ने निकाल, हमारे पास दिया हुआ है 60×10^-12 और वोल्टेज दे रखा है 10^4 वोल्ट. इसको रिप्लेस कर लिया हम लोगों ने. सो दिस इज इक्वल टू 6×10^-7 कूलम. अगर इसको माइक्रो कूलम में करना है तो 0.6×10^-6 कूलम हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 0.6 microfarad. समझ आ गए? यस सर. यस सर. लिख लिया सबने? यस सर. यस सर. थर्ड वाले पे चलते हैं. थर्ड क्वेश्चन कह रहा है अ कैपेसिटर ऑफ अननोन कैपेसिटेंस इज कनेक्टेड अक्रॉस अ बैटरी ऑफ वी वोल्ट.
तो हमें उस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस पता नहीं है और उसको हम लोगों ने वी वोल्ट के अक्रॉस कनेक्ट कर दिया. द चार्ज स्टोर्ड इन इट इज 360 माइक्रोकूलम. व्हेन पोटेंशियल अक्रॉस द कैपेसिटर इज रिड्यूस्ड बाय 120 वोल्ट, मतलब पहले जो वी था अब जो नया वोल्टेज हो जाएगा दैट विल बी वी माइनस 120, इट इज रिड्यूस्ड बाय 120. द चार्ज स्टोर्ड इन इट बिकम्स 120 माइक्रोकूलम. सो पहले 360 माइक्रोकूलम से अब जो नया चार्ज आ गया इस पे दैट इज 120 माइक्रोकूलम. कैलकुलेट द पोटेंशियल वी एंड द अननोन कैपेसिटेंस. सेकेंड पार्ट कह रहा है कि व्हाट विल बी द चार्ज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इफ द वोल्टेज अप्लाइड हैज इंक्रीज्ड बाय 120 वोल्ट, मतलब जितना था उससे 120 और इंक्रीज कर दिया. सो अब देखो ये क्या कह रहे हैं, कैपेसिटर इज ऑफ अननोन कैपेसिटेंस इज कनेक्टेड अक्रॉस अ बैटरी ऑफ वोल्टेज वी वोल्ट. सो लेट द कैपेसिटेंस बी सी. और इसमें ऐसे करना है ना, हमें कैपेसिटेंस सेम रहेगा, कैपेसिटेंस निकाल के फिर लगाना है. सो लेट कैपेसिटेंस इज सी. तो अब ये अक्रॉस ऑफ वोल्टेज क्यू इज इक्वल टू सी वी होता है, या सी इज इक्वल टू क्यू बाय वी होता है, राइट. तो अब ये हमारा क्यू वन बाय वी वन इज इक्वल टू क्यू टू बाय वी टू, राइट. कैपेसिटर जो है वो सेम कैपेसिटर यूज कर रहे हैं, तो अगर चार्ज क्यू वन और वोल्टेज वी वन है तो क्यू वन बाय वी वन भी सी ही आएगा और क्यू टू बाय वी टू भी ये भी सी ही आएगा, राइट. तो अब अगर हम लोग वैल्यूज यहाँ पे पुट कर लें, हमारे पास क्यू वन कह रहा है 360 माइक्रोकूलम है. सो 360 माइक्रोकूलम जब वोल्टेज वी था, बाद में जाके 120 माइक्रोकूलम, और जो वोल्टेज है वो रिड्यूस्ड बाय 120. 360 वोल्ट्स, 360 वोल्ट्स देखते हैं, पता नहीं इसमें तो जो आंसर लिखा हुआ 180 लिखा हुआ है. अब ये इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इसको कैंसिल आउट कर लेंगे, ये 3 हो गया. सो दिस इज 3v माइनस 360 इज इक्वल टू v. सो ये 2v इज इक्वल टू 360 आया, तो v इज इक्वल टू 180 वोल्ट. तो पोटेंशियल जो था v का वैल्यू वो 180 वोल्ट है. c का वैल्यू निकालना है. अब c इज इक्वल टू q बाय v कर लो. पहले केस में q था 360 माइक्रोकूलम, 360 10 टू द पावर माइनस 6, v इज 180. इसको कट करेंगे, सो दिस इज 2 माइक्रोकूलम, सॉरी 2 माइक्रोफराड, 2 माइक्रोफराड हमारा कैपेसिटेंस का वैल्यू आ गया. अब इसके बाद हमें कह रहा है व्हाट विल बी द चार्ज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इफ द वोल्टेज अप्लाइड है इंक्रीज्ड बाय 120. अब वी डैश इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, पहले जो वोल्टेज था 180, उसमें 120 और इंक्रीज कर दिया, तो ये कितना हो गया, 300 वोल्ट हो गया. अब आपको कह रहा है, अब इसमें चार्ज स्टोर्ड निकालना है. Q3 कर लो. Q3 इज इक्वल टू C इंटू वी डैश. सो C इज 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 फराड इंटू 300. सो दिस इज 600 माइक्रोकूलम. Yes, sir. Yes, sir. Anusha, you are understanding everything, right? It's it? Yes, sir. अब पुराना कुछ ऐसे backlog जैसा ज्यादा तो नहीं लग रहा, मतलब ज्यादा तो you're not feeling. नहीं sir, नहीं sir, हो जाएगा. आयरिश तुम्हारा हो रहा है, पुराना सब हो रहा है कवर धीरे धीरे. आयरिश आयरिश आर यू देयर? लक्ष्य आपका चल रहा, पीछे वाला सब रिवाइज सब हो रहा है अच्छे से?
जो जो चीज छुटी सर ऑलमोस्ट हो गया। अच्छा अच्छा ठीक है, जहाँ पे भी कुछ प्रॉब्लम आए अलग से पूछ लेना है ना, कुछ अगर नहीं समझ में आए। यस सर ठीक है, लिख लिया ना सब बच्चों ने? हाँ जी सर। यस सर। यस सर। फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है हमें, टू पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर्स हैव देयर प्लेट एरियाज 100 एंड 500 सेंटीमीटर स्क्वायर रेस्पेक्टिवली। इफ दे हैव द सेम चार्ज एंड पोटेंशियल एंड द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द फर्स्ट कैपेसिटर इज 0.5 mm, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द सेकेंड कैपेसिटर। सो देखो, टू पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर्स है, पहला का एरिया A1 इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया और दूसरे का एरिया A2 इज इक्वल टू 500 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। इफ दे हैव द सेम चार्ज एंड सेम पोटेंशियल, मतलब यहाँ पे भी Q एंड ये भी V, ठीक है, और यहाँ पे भी Q ये भी V, इसमें जो डिस्टेंस है वो D1 है, यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो D2 है, ठीक है। सो if the distance between the plates of the first capacitor is 0.5 mm, means ye 0.5 mm de rakha hai, hum logon ko d2 nikalna hai. ab dekho, q is equal to ya c is equal to q into v hota hai, right? c is equal to, sorry, q by v hota hai, c is equal to q by v, राइट right. और तो ये C1 हो गया और यहाँ पे जो C2 हो गया, अब बिकॉज पोटेंशियल और वोल्टेज सेम है तो ये दोनों C1 और C2 इक्वल है, कैपेसिटेंस इक्वल, C1 इज इक्वल टू C2, सेम, क्यू एंड वी आर सेम। अब ये C1 C2 के बराबर है तो अब आप लोग क्या करेंगे, इसको एप्साइलन नॉट A1 अपॉन D1 इज इक्वल टू एप्साइलन नॉट A2 अपॉन D2। भाई जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है उसका फॉर्मूला हम लोग यूज कर लेते हैं। अब एप्साइलन नॉट तो दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, तो इससे आ जाएगा A1 बाय D1 इज इक्वल टू A2 बाय D2। वैल्यूज पुट कर लेते हैं, तो दिस इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर बाय D1 0.5 मिलीमीटर इज इक्वल टू 500 सेंटीमीटर स्क्वायर बाय D2। अब देखो ये बिकॉज मैंने कोई भी बिकॉज रेशियो है ना, तो इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं भी कन्वर्ट करेंगे तो दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा और फाइनल जो वैल्यू आएगा वो हम लोग को मिलीमीटर में ही आएगा। तो ये इसको कैंसिल करेंगे तो ये 5 हो गया, D2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया तो 2.5 mm हो जाएगा। डिस्टेंस हियर इज 2.5। बच्चों लिख लिया सबने? यस यस सर, एक मिनट सर। यस सर, डन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज प्लेट एरिया ऑफ 25 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द सेपरेशन ऑफ 2 mm बिटवीन द प्लेट्स। कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ बैटरी 12 वोल्ट। फाइंड द चार्ज ऑन द कैपेसिटर, first part, plate separation is decreased to 1 mm, find extra charge given by the battery to the positive plate. ठीक है, चार्जिंग कैपेसिटर का कैसे होता पता है ना, पॉजिटिव चार्ज जो है बैटरी से मिलता है और नेगेटिव चार्ज उसके दूसरे वाले प्लेट से उसको बेसिकली आ जाता है, राइट? सो अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज प्लेट एरिया 24.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो A इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, which can be written as 25 into 10 to the power minus 4 meters square. Separation D is equal to 2 mm, 2 into 10 to the power minus 3 meters.
The capacitor is connected to a battery of 12 volt. V is equal to 12 volt. ठीक है. तो अब हम लोग को देखो C is equal to epsilon naught A upon D करके हम लोग कैपेसिटेंस इसका पहले निकालेंगे. ठीक है. सो एप्साइलन नॉट ए अपॉन डी कर लो तो वैल्यू आ जाएगा हमारा 8.85 × 10−12. एरिया इज 25 × 10−4 और जो डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स है दैट इज 2 × 10−3. सो सी इज इक्वल टू इफ यू सॉल्व दिस 8.85 × 25 110.625 तो मतलब 1.106 × 10−16 + 3−13 + 2−11 −11. ये C का वैल्यू जब आ गया अब हम लोग को चार्ज Q इज इक्वल टू C इंटू V. इसमें अब वैल्यूज पुट कर लेंगे तो 1.106 × 10−11 × 12. सो दिस विल बी इक्वल टू 1.32 × 10−10 कूलम्स. ये Q का वैल्यू निकल गया. अब बी पार्ट में कह रहा है प्लेट सेपरेशन इज डिक्रीज टू 1 mm. अब D dash is equal to 1 × 10−3. अब यहाँ पे कैपेसिटेंस फिर से इन लोग निकालते हैं तो C dash is equal to epsilon naught A upon D dash. So this is equal to 8.85 × 10−12. Area is 25 × 10−2. और डी डैश इज 1 × 10−3. एक और चीज देखने वाली बात ये है एरिया सेम है और ये डिस्टेंस जो इनके बीच का डिस्टेंस है सेपरेशन उसको हम लोगों ने हाफ कर दिया. अब हमें पता है कि कैपेसिटेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स. तो अगर हाफ किया तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा वो डबल हो जाएगा ना डबल. जब कैपेसिटेंस डबल हो जाएगा तो और वोल्टेज सेम रखे हो तो चार्ज भी जो आएगा वो उस पर डबल आ जाएगा. राइट. तो चार्ज अगर डबल आ गया राइट तो एक्स्ट्रा चार्ज कितना हो गया दिस माइनस दिस करके सेम ही आ जाएगा एक्स्ट्रा चार्ज. क्योंकि डबल हो गया तो एक्स्ट्रा चार्ज जो डिफरेंस है उससे निकल के आ जाएगा. तो डायरेक्टली भी कर सकते थे बट अगर डायरेक्टली नहीं समझ में आ रहा है तो हम लोग ये वैल्यूज निकाल के भी कर सकते हैं. सो लेट अस फाइंड दिस वैल्यू. सो 8.85 × 25 221.25. So this is 2.21 × 10−13 × −11. ये C dash कैपेसिटेंस हो गया. अब हम लोगों को Q dash is equal to C dash into V करेंगे. 2.21 × 10−11 × 12. मतलब 2.65 × 10−10. तो अब कह रहा है एक्स्ट्रा चार्ज कितना है. एक्स्ट्रा चार्ज इज Q डैश माइनस Q. दिस इज एक्स्ट्रा चार्ज. Q dash minus Q that means 2.65 − 1.32 × 10−10. So this is equal to 1.32 × 10−10. हम लोग इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं जैसा कि मैंने बताया कि कैपेसिटेंस जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स है. तो प्लेट्स को जब तुम हाफ कर रहे हो उनके बीच का सेपरेशन तो जो
ये जो कैपेसिटेंस है वो डबल हो जाएगा। कैपेसिटेंस डबल होने का मतलब डबल चार्ज स्टोर कर सकता है, तो पहले जितना चार्ज स्टोर कर रहा था उसका 2 times चार्ज स्टोर करेगा, तो डिफरेंस जो एक्स्ट्रा चार्ज कितना हो गया, उतना ही चार्ज जितना था उतना ही उसके ऊपर डालेंगे तब डबल होगा, तो एक्स्ट्रा चार्ज क्या हो गया, वही जितना चार्ज था उतना ही हमें निकाला। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस सर। यस लिख भी लिया सबने? यस सर। यस अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर इन बिटवीन, द प्लेट्स हैज अ कैपेसिटेंस ऑफ 8 pF, राइट, द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स इज नाउ रिड्यूस्ड टू हाफ एंड द स्पेस बिटवीन देम इज फिल्ड विद अ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5, नाउ कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस इन द सेकेंड केस। अब देखो हमारे पास है कि दोनों चीज हम लोगों ने किया, राइट, इनका जो जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है इनके बीच का सेपरेशन को भी हाफ कर दिया और उसके बीच में एक जो है डाइलेक्ट्रिक भी हम लोगों ने डाल दिया। तो पहला तो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर इन बिटवीन द प्लेट्स हैज अ कैपेसिटेंस ऑफ 8 pF, तो सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी विच इज इक्वल टू 8 pF, so that is 8 × 10⁻¹². The separation between the plate is now reduced to half, मतलब अब जो है separation d/2 हो गया and space between them is filled with a dielectric constant k is equal to 5. So, अब हमारे पास जो c dash होगा, this will be k times epsilon naught a upon d/2. K times means 5 times epsilon naught a upon d. और d/2 है तो ये r के ऊपर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 10 × एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d। एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d हम लोग को पता है कि ये इसका वैल्यू एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d का ये है, तो 10 × 8 pF दैट इज इक्वल टू 80 pF। क्लियर अभी तक? है ना, ये हम लोगों ने पढ़ा था ना, हम लोगों ने पढ़ा था C dash is equal to K times C naught, right? अगर हम लोग उसको पूरी तरह से डाइलेक्ट्रिक से फिल कर देते हैं तो उसका जो कैपेसिटेंस है K times C naught हो जाएगा। आगे समझ? यस सर। यस सर। अभी आज रात में मैं तुम्हें 2 और ये भेजूंगा ना, आई विल सेंड यू 2 मोर डीपीपी, सो प्लीज उसको लग के कीजिए, है ना, पीछे का सब कुछ अच्छे से मतलब फोर्टिफाई करते चलिए, खूब उसको प्रैक्टिस कीजिए। पढ़ाई शुरू हुआ तुम लोग का, 6 घंटा कम से कम पढ़ना शुरू किया हो तुमने, 2-2 घंटे तीनों सब्जेक्ट को दे रहे हो, अभी तो छुट्टी चल रही है तुम लोगों की, मेरे ख्याल से सभी की छुट्टी चल रही है इसको। नहीं सर। क्यों, लक्ष्य तुम्हारा क्या हो गया, तुम्हारे तुम्हें अभी समर वेकेशन नहीं दिया इन्होंने? नहीं सर, 17 से शुरू हो गए थे फिर से। और ये आयरिश लोग का, तुम लोग का ये आदित्य तो अभी स्टार्ट नहीं हुआ, स्कूल नहीं स्टार्ट हुआ या समर वेकेशन नहीं स्टार्ट? स्कूल स्टार्ट हुआ, तुम लोग कह रहे थे ना 17 तारीख से होने वाला है, तो स्कूल हो सकता है नेक्स्ट वीक मंडे सर। ठीक, खींचो अभी टाइम मिला हुआ, खूब पढ़ाई करो। ओके, 19th क्वेश्चन देखो, ये इसमें हम लोग वो फॉर्मूला लगाएंगे जब पूरी तरह से फिल नहीं करता। एन इबोनाइट रॉड k इज इक्वल टू 3.6 mm थिक इज इंट्रोड्यूस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर whose area is this much and plate separation is 0.01 meter. 0.01 meter का मतलब क्या हो गया, 10 mm हो गया, right? 10 mm में से 6 mm को बस हम fill कर रहे हैं, तो मतलब ये पूरी तरह से fill नहीं हुआ ना, तो इसमें वो formula हम लोग लगाते हैं capacitance का,
अगर तुम्हें याद हो कैपेसिटेंस सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी माइनस टी प्लस ऑफ टी अपॉन के। याद है फॉर्मूला आप लोग को, कल हम लोगों ने किया था ये। ये तब था जब है ना, ये तब था जब हमारा पूरा जो पोर्शन है ये नहीं फिल होता है, बट इसमें से थोड़ा सा पोर्शन टी थिकनेस का हम लोग डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालते हैं कैपेसिटर के बीच में। सो टोटल सेपरेशन डी था इनके प्लेट्स के बीच में, और जो डाइलेक्ट्रिक का थिकनेस है वो टी है, और इस डाइलेक्ट्रिक का अगर डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के है तो उसका कैपेसिटेंस निकालने का ये फॉर्मूला है। याद आ गया सबको? यस सर। हाँ, अब बस हम लोग इसमें वैल्यूज डाल देते हैं सारे। सो k का वैल्यू 3 दिया हुआ है, कैपेसिटेंस c इज इक्वल टू 8.85 इंटू 10 टू द पावर 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। एरिया दे रखा है हमें 4 इंटू 10 टू द पावर -2 डिवाइडेड बाय d माइनस टी। दिस जो सेपरेशन है वो 10 mm है, -6 mm। तो 10 माइनस 6 इंटू 10 टू द पावर -3 मिलीमीटर में था, मीटर में कन्वर्ट कर लिया, प्लस ऑफ टी अपॉन के मतलब 6 इंटू 10 टू द पावर -3 डिवाइडेड बाय क्या है, के क्या है 3, इसको कट कर लिया 2 हो गया। सो दिस इज इक्वल टू c इज इक्वल टू 8.85 इंटू 4 इंटू 10 टू द पावर -14 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 6 4 हो गया, और 4 प्लस 2 फिर से 6 हो गया, तो दिस इज 6 इंटू 10 टू द पावर -3। इसको सॉल्व कर लेते हैं, सो वी हैव 8.85 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 6, सो दिस इज 5.9 इंटू 10 टू द पावर -11। तो -12 में अगर कन्वर्ट कर देंगे तो पिको फराड में आ जाएगा आंसर 59 इंटू 10 टू द पावर -12 फराड, विच इज इक्वल टू 59 पिको फराड। नबील आ रहा है समझ में तुमको? यस सर। तुम पूरे क्लास में कुछ बोलते हो नहीं भाई, मतलब तुम सबसे ब्राइट बच्चा हुआ करते थे आईसीएसई बोर्ड का, और तुम्हारा बोली बोली सब गायब हो गया, क्या हो गया है? सर ऑनलाइन थोड़ा मुश्किल हो जाता है बोलना। सर नहीं, बोलना तो आसान होता है लेकिन बोलने के लिए जो जानना होता है, नॉलेज चाहिए होती है, उसके साथ कीप अप करना मुश्किल हो जाता है। उसके लिए तो पहला स्टेप है कि अपना कैमरा ऑन रखो, कैमरा ऑन रखोगे तो उससे थोड़ा सा बेटर होगा ना, यू विल बी मोर अटेंटिव ना, व्हाई? बिकॉज यू विल ऑलवेज फील कि सर इज वॉचिंग, अदरवाइज यू विल नॉट बी अटेंटिव। अटेंटिव नहीं रहोगे तो इतना अच्छे से समझ नहीं आएगा। ठीक है सर, सबने लिख लिया बच्चों? यस यस सर। ट्वेंटीएथ क्वेश्चन है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस 1 cm एंड डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट 5 इज प्लेस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ प्लेट एरिया 0.01 m² एंड 2 cm। कैलकुलेट द चेंज इन कैपेसिटी ऑन इंट्रोडक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक, व्हाट वुड बी द चेंज इफ द डाइलेक्ट्रिक स्लैब वेयर कंडक्टिंग। तो मतलब चेंज इन कैपेसिटी ऑन इंट्रोडक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक, मतलब तुमको 3 कैपेसिटेंस निकालना है, एक बिना डाइलेक्ट्रिक के, दूसरा जब तुमने ये डाइलेक्ट्रिक डाला है जो कि 1 cm थिकनेस का है, मतलब टोटल सेपरेशन 2 cm है, उसमें 1 cm थिकनेस का आप डाल रहे हो, तो 1 cm तो फिर भी खाली है, मतलब पूरी तरह से नहीं फिल्ड है, डी माइनस टी वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, अरे अर्णव सो गया क्या? नहीं सर। अच्छा आग बंद करके सुन रहा, उसका
और जो ये पतला सा डाइलेक्ट्रिक डाले हैं उसका, दोनों का कैपेसिटेंस निकाल के, ठीक, डाइलेक्ट्रिक डालने से कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाता है, तो दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो चेंज इन कैपेसिटेंस निकल जाएगा। और कह रहा है व्हाट वुड बी द चेंज इफ द डाइलेक्ट्रिक वेयर कंडक्टिंग, अगर कंडक्टिंग रहता तो वहां पे हम लोग क्या कर लेते हैं, सीधे एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी माइनस टी कर लेते थे, है ना, क्योंकि कंडक्टिंग प्लेट का के क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, राइट, हम लोगों ने किया था ना कल, यस सर। चलो करो फटाफट इसको सॉल्व करके बताओ तो हमको आंसर आ रहा है कि नहीं, तुम लोग सॉल्व करके दिखाओ कहाँ पे सॉल्व किया तुमने, प्लीज ट्राई इट ऑन योर ओन। आंसर इसलिए लिखा है जिससे तुम मैच कर पाओ, इसका मतलब ये नहीं कि सीधे आंसर लिख देना, हेंस प्रूव्ड। जेपीएम मेथड बहुत चलता है, जबरदस्ती प्रूव मेथड। साई सागर तुम्हारा पर्दा दिखते रहता है, मतलब हम बस तुमको तुम्हारे घर रूम को पढ़ाते हैं, तुमको पढ़ाते हैं तो तुम दिखने चाहिए ना मुझे, ऐसा कुछ कैमरा का सेटिंग इधर उधर कर लो थोड़ा सा, करो करो अभी पढ़ो अभी पढ़ो। जो लोग सॉल्व कर रहे हैं मैं पीछे से अन डूइंग इट। डायलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस 1 सेंटीमीटर, सो टी इज इक्वल टू 1 × 10⁻²⁻ एंड डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के इज इक्वल टू 5 इज प्लेस्ड इन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ प्लेट एरिया 0.01 m² एंड सेपरेशन डी इज इक्वल टू 2 × 10⁻²⁻ कैलकुलेट द चेंज इन कैपेसिटी ऑन इंट्रोडक्शन ऑफ डायलेक्ट्रिक। तो पहले कैपेसिटेंस जब कुछ भी नहीं था एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी होता विच इज इक्वल टू 8.85 × 10⁻², एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 0.01 डिवाइडेड बाई 2 × 10⁻²। तो इफ यू सॉल्व दिस वील हैव 8.85 डिवाइडेड बाई 2 कर दोगे 4.425 × 10⁻², माइनस ये दोनों तो कैंसिल हो गया, 10⁻², राइट। ये पहला कैपेसिटेंस C1 है। C2 इज इक्वल टू, अब जब हम लोगों ने थिकनेस T का एक डायलेक्ट्रिक इसके अंदर डाल दिया तो ये एप्साइलन नॉट A अपॉन D माइनस T प्लस ऑफ T अपॉन K कर देंगे विच इज इक्वल टू 8.85 10⁻², 0.01 डिवाइडेड बाई डी माइनस टी 2 cm माइनस 1 cm, मतलब 1 × 10⁻², प्लस 1 × 10⁻², डिवाइडेड बाई के दैट इज 5, 1/5 इज 0.2, सो दिस विल बिकम 8.85 × 10⁻², 10⁻², डिवाइडेड बाय 1.2 × 10⁻²। 1/5 को हमने 0.2 लिख लिया और उसको 1 से ऐड कर लिया तो 1.2 आ गया। सबको समझ में आ गया ये? 10.2 कैंसिल कर लिया। अब 8.85 डिवाइडेड बाय 1.2 करेंगे तो ये आ जाएगा 7.65 × 10⁻², राइट। अब आपसे कह रहा है चेंज इन कैपेसिटेंस, सो मतलब C2 - C1 बाद में जाके बढ़ जाता है, C2 - C1 7.65 माइनस 4.425 × 10⁻², so this is 3.225। कुछ बात किया क्या हमने? C1 का वैल्यू है 4.917.675। एक मिनट,
7.375 into 10 to the power -2 7.375 है बच्चों ना। So ये चेंज हो गया। अब आपसे कह रहा है कि अगर ये कंडक्टिंग प्लेट होता, ठीक है, सो चेंज इन कैपेसिटी, व्हाट वुड बी द चेंज इफ द डाइलेक्ट्रिक स्लैब वेयर कंडक्टिंग। इसको सबने लिख लिया बच्चों? यस सर। ये थर्ड केस में यहाँ पे कर रहा हूँ, इसके अंदर डब्बे के अंदर। अगर ये कंडक्टिंग होता तो अब C3 इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी बस होता है ना, क्योंकि टी बाय के वो जीरो हो जाएगा बेसिकली, है ना। तो उसका जो जो कंडक्टिंग प्लेट वाला जो पोर्शन है उसके वजह से कोई भी कैपेसिटेंस में चेंज नहीं आएगा। सो डी माइनस टी, इसका वैल्यू अगर हम लोग निकालते हैं राइट, तो दिस विल बी एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी माइनस टी, वैल्यू 8.85 इंटू 10 to the power -12। एरिया है हमारा 0.01, मतलब 10 to the power -2 डिवाइडेड बाय डी माइनस टी, दैट इज 1 into 10 to the power -2। सो दिस इज इक्वल टू 8.85 into 10 to the power -12। अब इसमें और इसमें क्या चेंज है वो निकालने के लिए बोल रहा हूँ, इसमें और इसमें, C1 और C3 में। सो यहीं पे मैं नीचे लिख रहा हूँ C3 minus C1 is equal to, ठीक से लिख देता हूँ, C3 minus C1 is 8.85 minus 4.425, which is into 10 to the power -2। So this will be equal to 4.425. बच्चों लिख लिया आपको ने? Yes, sir. Yes, sir. एक सेकंड बिल्कुल। आर्यन लिख रहे हो ना? अब ये जो क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जांपल है ना, और अच्छा क्वेश्चन, मतलब बहुत पूछा जाता है, बहुत कॉमनली पूछा है। सो अ स्लैब ऑफ मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के हैज सेम एरिया एज द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, मतलब डाइलेक्ट्रिक का एरिया ऑफ क्रॉस एरिया जो है और जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का एरिया, ये दोनों सेम है, बट हैज अ थिकनेस ऑफ 3/4D, है ना, पूरी तरह से कवर नहीं कर रहा है, 3/4 ऑफ द टोटल डिस्टेंस को, सेपरेशन को कवर कर रहा है, वेयर डी इज द सेपरेशन ऑफ द प्लेट। हाउ इज द कैपेसिटेंस चेंज व्हेन द स्लैब इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स,
तो जैसा कि हम लोग ने किया है ये t इज इक्वल टू दे रखा है 3d/4। अब यहाँ पे जो कैपेसिटेंस c है एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d माइनस t प्लस ऑफ t अपॉन k। तो ये जो हम लोगों ने प्रूव किया है ना उस सॉल्व एग्जांपल में जो हम लोगों ने पहले प्रूव किया था ना कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो चेंज कर जाता है डाइलेक्ट्रिक के डालने से, राइट। तो ये इन्होंने प्रूव करके किया है, वो इसीलिए प्रूव करके किया है क्योंकि वहां पे इन्होंने चैप्टर में कहीं प्रूव नहीं किया, बट ये हम लोगों ने प्रूव कर लिया। हम लोग डायरेक्टली ये फॉर्मूला को भी अप्लाई कर सकते हैं। सो दिस विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी माइनस टी के जगह हम लोग कर लेंगे 3/4d प्लस 3/4d एक्सक्यूज मी अपॉन के। सो दिस इज सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी माइनस 3/4d करोगे तो ये डी बाय फोर हो जाएगा प्लस 3d/4k आ गया। अब क्या करो आप एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी को कॉमन ले लो बाहर, यहाँ पे बचेगा 1/4 प्लस 1/4k। सो दिस इज इक्वल टू ये एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी को अब हम लोग सी नॉट लिख लेते हैं जो ओरिजिनल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस था, और यहाँ पे एलसीएम अगर 4k ले लेंगे तो 4k आ जाएगा ऊपर डिवाइडेड बाय सॉरी ये 3d/4k था ना, यहाँ पे 3/4k 4k आ जाएगा ऊपर और यहाँ पे k प्लस 3 होगा। सो 4k अपॉन k प्लस 3। सो यही हमारा नया कैपेसिटेंस है। क्लियर बच्चों? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। देख लिया सभी ने? यस। यस। यस सर। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 22nd वाला, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज मेंटेन्ड एट अ सर्टेन पोटेंशियल डिफरेंस। When a 3 mm thick slab is introduced between the plates in order to maintain the same potential difference, the distance between the plate is increased by 2.4 mm. Right? Find the dielectric constant of the slab. मतलब कहानी ये है कि पहले एक parallel plate capacitor था, ठीक है? Maintained at certain potential difference. मान लो V इसका potential difference. तो basically जो इसका capacitance C रहा होगा, ये रहा होगा epsilon naught A upon D, जो C naught रहा होगा sorry. अब दूसरे केस में हम लोग क्या करते हैं इसी को, इसके अंदर अब हम लोग एक डाइलेक्ट्रिक डालते हैं जिसका कि थिकनेस जो स्लैब का है 3 mm है, t इज इक्वल टू 3 mm, राइट, 3 × 10⁻³। अब जो यहाँ पे कैपेसिटेंस हो जाएगा, अच्छा उसके बाद हम लोग क्या बोल रहे हैं टू मेंटेन द सेम पोटेंशियल डिफरेंस, अगर इसके अक्रॉस V ही रखना है तो हम लोग को ये जो कैपेसिटेंस इसका होगा बेसिकली देखो V रखना है। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज मेंटेन्ड एट अ सर्टेन पोटेंशियल डिफरेंस, व्हेन अ 3 mm थिक स्लैब इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द प्लेट्स इन ऑर्डर टू मेंटेन द सेम पोटेंशियल डिफरेंस द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज इंक्रीज बाय 2.4 mm। तो अब जो डिस्टेंस d प्लस 2.4 mm हो गया, पहले जितना था है ना, तो अब उससे 2.4 mm और ज्यादा होगी, राइट। दिस इज द न्यू डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। सो अब यहां पे हमारा सेम पोटेंशियल डिफरेंस अगर मेंटेन रहेगा, राइट, और यहाँ पे हम लोगों ने अच्छा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको बोला है, तो इसका अगर आप कैपेसिटेंस निकालोगे
C is equal to epsilon naught A upon D minus T plus of, sorry, D dash कर लेते, D dash minus T plus T upon K होगा. अब देखो ये क्या कह रहा है कि जब पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस सेम रहेगा तो कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी रहता है, राइट. यहाँ पे कोई और सोर्स तो ऐसा कनेक्टेड है नहीं, राइट. तो अगर मेंटेन हम लोग सेम पोटेंशियल डिफरेंस कर रहे हैं तो ये कैपेसिटेंस इसका सेम रहेगा हमारा, ठीक है. सो कैपेसिटेंस इस केस में और इस केस में व्हेन दे आर सेइंग टू मेंटेन सेम पोटेंशियल डिफरेंस दैट मीन्स the capacitance has to be same in this case. Now capacitance is same, that means C naught is equal to C. जब capacitance same होगा हम लोग इसको equate कर लेते हैं, epsilon naught A upon D is equal to epsilon naught A upon D dash minus T plus T upon K. epsilon naught A cancel हो जाएगा. अब इसमें हमारा D dash minus T plus T by K is equal to D. So, अब D dash is D plus 2.4 mm. तो इसको अगर हम लोग substitute कर लेंगे, D plus 2.4 mm और उसमें ये T जो है 3 mm है. So, minus of 3 plus of 3 by k is equal to d. So, ye to cancel ho gaya. So, this will give 3 by k is equal to 3 minus 2.4, that is 0.6. So, k is equal to 3 divided by 0.6 kar denge. So which is equal to 5. So k ka value 5 aa jayega. क्लियर बच्चों? यस सर. यस सर. यस सर. इसको लिख लीजिए आप लोग सब लोग, एंड वी विल स्टॉप हियर. और नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग जो कल की क्लास है उसमें हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स करेंगे. तो पहले सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन करेंगे और उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे, बेसिक क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है. एनर्जी वाला पोर्शन हम लोग नेक्स्ट वीक में करेंगे क्योंकि आई डोंट थिंक यू विल बी एबल टू कवर एनर्जी ऑल्सो टुमारो. सो एनर्जी और वेंडी ग्राफ जनरेटर थोड़ा सा रह जाएगा ना, तो दैट वी विल डू इन द नेक्स्ट वीक. दिस वीक वी विल कंप्लीट द कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर. कॉम्बिनेशन से बहुत क्वेश्चन बनते हैं और बहुत तरह के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है. तो उसका प्रैक्टिस तुम लोग को अच्छा मिल जाएगा. कल हम लोग थ्योरी पार्ट तो कर ही लेंगे और बेसिक क्वेश्चन कोशिश करेंगे करने, जिससे वीकेंड पे भी तुम्हें कराने के लिए काफ़ी, उसमें बहुत सारा है, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर का सागर है, बिल्कुल बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है बच्चों. चलो विल स्टॉप, बाय एंड टेक केयर एवरीवन. गुड नाइट. थैंक यू सर. थैंक यू. थैंक यू सर. थैंक यू सर. थैंक यू सर. थैंक यू सर. सर अब एक सेकंड. आई डोंट हैव अ क्लास.